जानकर ही अजीब लगेगा कि मोहम्मद शमी T20 वर्ल्ड कप में मुख्य टीम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यही सच है। आइए देखते हैं पूरी वीडियो विस्तारित से। आप एक शमी का बहुत बड़ा फैन है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारत ने अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुन ली है, लेकिन ऐसे संभावना है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इस टीम में एक बड़ा बदलाव हो। वर्ल्ड कप स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किया जा सकता है। BCCI के सूत्रों ने बताया कि भारत के 15 सदस्यीय टीम में शमी का शामिल करने के लिए प्लान है। इसी कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के लिए टीम में चुना गया है। अगर दोनों सीरीज में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वर्ल्ड कप में उन्हें गेंदबाजी करते दिखाई देंगे। शमी टीम में क्यों हो सकते हैं, आइए देखते हैं। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। वहां की पिच काफ़ी तेज और सीम बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में शमी जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं वो वहाँ की पिच और अपनी बाउंस और सीम बॉलिंग से बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। साथ ही शमी की स्पीड भी है, इससे ऑस्ट्रेलिया में उन्हें काफ़ी मदद मिल सकता। वहीं जिन तेज गेंदबाजों को चयन हुआ है भारतीय टीम में, उन्हीं से जसप्रीत बुमराह का अगर छोड़ देता तो, और टीम में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जिसके रफ्तार 140 से ज़्यादा की है। ऐसे में मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजी को टीम में शामिल करना तय माना जा रहा है। टीम में कैसे मिलेगी शमी की जगह, आइए देखते हैं पूरी प्लान इंडिया की। BCCI की अधिकारी ने बताया कि वर्ल्ड कप के एक हफ्ते पहले यानी 10 अक्टूबर को तक सभी टीम का अपना 15 खिलाड़ियों की लिस्ट आखिरी बार भेजनी है। टीमों के पास तब तक की अपनी चुनी गई टीम में बदलाव करने की अधिकार है। ऐसे में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शमी अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो टीम में मुख्य टीम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बदलाव से पहले टूर्नामेंट डायरेक्टर से BCCI का परमिशन लेनी होगी।